लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, मैं राय बहादुर एकनाथ चौरसिया बोल रहा हूँ। मुबारक हो एमएलए साहब, तुम इलेक्शन जीत गया और अपन जेल से बाहर निकल आया। तुम्हारी मौत तुम्हारे घर के सामने खड़े लाए क्या? ड्राइवर, गाड़ी निकालो। जनता का चुना हुआ एमएलए, आप उनके गरीब खाने में, तुमको तो पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था बाप। अपना तो यही पुलिस स्टेशन है, ये दारा साहब अपना साहब है, वो पुलिस स्टेशन तो गुंडे मवालियों का, अपने जैसे शरीफ आदमी को थोड़ी है। शरीफ आदमी है यार दारा, हम लोग देखी थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो ये रहे चट्टे, ये रहे बट्टे, बाकी सब लट्टे। ले, बुजुर्ग ने कहा है कि मिलजुल के रहना चाहिए, झगड़े में बड़ा नुकसान है, एकता में बड़ा बल है। एकता तो तुमने शंकर के साथ कर रखी है। नहीं, कर रखी थी, अब है थोड़ी। वो तो क्या, इलेक्शन सर पे आ गए थे, तुम जेल में थे, मरता क्या ना करता मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली। पन शंकर अपन का दुश्मन है। तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी दुश्मन है। वो तो मजबूर मैंने गधे को बाप बना लिया, वरना जमाने में दारा और चौरसिया की दोस्ती तो मशहूर है। ये समझ लो कि तुम दा हो, मैं रा हूं, मैं चौ हूं, तुम रसिया हो। मिला इसी बात का। शाबाश, अब आए ना बाद में नमक। अरे माली 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 माली, अरे आप ये क्या कर रही हैं? आपने सुना नहीं, ऑल इंडिया रेडियो पे आया था, आपका बेटा आया, बेटा। और गंगवा तेली क्यों सोहलाए? गंगवा तेली किसको बोला? शंकर शंकर शंकर, तेरा भाई आ गया, तेरा भाई। अरे माँ जी, कितना सा था, कितना लंबा हो गया है, कितना। अरे वाह, तू तो बड़ा सजीला चबीला बांका नौजवान हो गया। तू कौन है? तुलसी, तुलसी। वो छोटी सी तुलसी? हाँ, याद है गोटी खेला करते थे गली में। अरे तेरी तो नाक बहती थी, तेरी पिटाई करती थी। भैया, भाई, भैया। अशोक, अशोक बेटा। माँ, कैसी हूँ माँ? माँ अच्छी हूँ बेटा, तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। चल, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ भाई, बहुत ही कीमती तोहफा। क्या लाया? इसमें तुम्हारे मेहनत की तस्वीर है भाई। अरे ये तो तेरे कॉलेज की डिग्री है, मुझे क्यों दे रहा है, अपने पास रहा? नहीं भैया, ये तुम्हारी है, इस पर मेरा नाम जरूर लिखा भैया, मगर इसके असली हकदार तुम हो। भैया, डाली पे जो भी फूल खिलते हैं उस पर अधिकार मालिक का ही होता है। मालिक का नहीं, मिट्टी का होता है, जिसका खून सभी की रगों में दौड़ता है। हमारी रगों में माँ का खून दौड़ रहा है, इसलिए इसकी असली हकदार माँ है। माँ, चल इसे माँ को दे दे। ले, मुंह मीठा कर ले। माँ, अब देखना इस घर की जगह अपना एक बंगला होगा, अपनी एक कार होगी, और मैं तुम्हारे और माँ के लिए दौलत के अंबार लगा दूंगा। अरे पगले, तुझे किसने कहा कि हमें इतनी सारी दौलत चाहिए? हमारे लिए तो दौलत तू है, तू। हाँ बेटा, अब तू आ गया है ना, बस मैं दुनिया की सबसे अमीर माँ हो गई हूँ। अब आया ना बात में नमक। Yeah.
आप मारना चाहते हैं तो मारिए। आप उन मारना चाहेंगे ना, तुम रोक नहीं सकेंगे क्या? अगर यह चैलेंज है तो आप मारो, मैं रोकता हूं। जानता है फुटबॉल के खेल में सबसे ज्यादा तकलीफ कब होता है? जब अपना ही खिलाड़ी अपनी तरफ गोल मार दे। सोच रहे है यही कि ऊंची बड़ी सीमेंट की बिल्डिंगों में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बना सकता हूं। कैसे? तेरे पास अलाउद्दीन का चिराग है क्या? अलाउद्दीन का चिराग नहीं, ये है ये, और इसका सबूत है ये बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। फाड़ के फेंक दे इसे, ऐसे कागज के टुकड़े रद्दी के भाव में भी नहीं बिकता आजकल क्या? एक बात और अपनी खोपड़ी में डाल ले, हर दौलत के पीछे कोई ना कोई जुर्म होता है, और जब तक जुर्म नहीं करता ना कोई लखपति बनता है ना करोड़पति। हाँ, झोपड़पति जरूर बना सकता है क्या? एक मिनट बोल। मैं एक महीने में दो नहीं 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। सिर्फ 5 लाख काफी है अपनी माँ अपने भाई को गरीबी के दलदल से निकाल कर सुख और आराम से जीने के लिए काफी। अब आया ना बाद में नमक, तो अपना ही चिस्टाल का आदमी है, आ जा चल। अरे भाई मेरे पास तो एक टूटा फूटा ट्रक है। अरे भाई रेशम कंपनी के पास भी पहले एक ही ट्रक था, अब उसके पास 2000 ट्रक हैं। 2000? हाँ माँ, दिनेश पटेल वो पहले ड्राइवर था, अब उसके पास 500 ट्रक हैं भाई। 500? भाई अगर आप मुझे ट्रक की चाबी दे दें तो मैं एक ही साल में इस कंपनी को क्या से क्या बना दूं, और फिर हम सब एक अच्छी शराफत की जिंदगी गुजारेंगे। माँ ये ले। रोको दस, तलाशी लो। अरे अरे इंस्पेक्टर, ये तो अपने शंकर का ट्रक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं शंकर का छोटा भाई हूं, इसे जाने दो। पहले क्यों नहीं कहा? ठीक है जाओ,